ये क्या किया आपने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा करेंगी। मैंने क्या किया है? ये चेक मैंने नहीं मांगा, वो खुद देकर गए हैं। उन्होंने दिया और आपने रख लिया, यानी हमारी कोई इज्जत नहीं। अम्मी ये ठीक है कि मैं आपके कहने पर शादी कर रहा हूँ, आप ही की खुशी के लिए आपकी हर बात मान रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी इज्जत और गैरत को गिरवी रख दें। आप ही मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी कोई और अदा करे उसे मेरी गैरत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम बिलावजह जज्बाती हो रहे हो। ना मैंने उनसे कोई फरमाइश की और ना ही कोई ख्वाहिश की, ये सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। वो अगर अपनी बीवी पे खर्चा करना चाहता है तो करने दो ना। आपी, ये चेक आप संभाल कर रखिए, लीजिए। और ये पैसे तब अपने होने वाले शौहर को दीजिएगा जब वो आपका शौहर बन जाए। तब आप पर वो ये खर्च करेगा ना, तो यकीन माने आपके भाई से ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उमर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हम उनके मायार के मुताबिक महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। हाँ, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन अपनी बहन का मान तो जरूर रख सकता हूँ, और अपनी इज्जत भी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरा फखर और मेरा गुरूर हो। तुम्हारी दी हुई चीजों की कोई हैसियत नहीं होगी उनकी नजर में। ना हो उनकी नजर में कोई हैसियत उनकी चीजों की, लेकिन मेरी नजर में मेरे भाई की दी हुई हर शय दुनिया की सबसे कीमती शय होगी। तुम दोनों पागल हो गए हो, कर लो अपनी मर्जी। मैं तो खाना खाऊंगी, करते रहे, करना है। मुझे तो पता नहीं क्या समझा हुआ है, मैं तो बस बड़बड़ाती रहती हूँ, बड़बड़ाती रहूंगी। करो अपनी मर्जियां, अपनी मनमानियां, मेरा क्या। खाना खाओ।